मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है, मेरी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, तो मेरा क्या हुआ होता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, मैं लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है उसका भली भांति मुझे अंदाज है। हम जानते हैं हमारे गुजराती लोग हिंदी कैसी बोलते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन मैं जब बोलता था तो लोगों मानते थे, मुझे पूछते थे, मोदी जी आप हिंदी भाषा सीखे कहां से, आप इतनी हिंदी अच्छी बोलते कैसे हैं। अब हम तो वही पढ़े जो सामान्य रूप से पढ़ने को मिलता है, थोड़ा स्कूल में पढ़ाया जाता उसे ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे चाय बेचते बेचते सीखने का अवसर मिल गया। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? ज्यादातर हिंदी भाषा का आंदोलन उन लोगों ने चलाया है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, सबने, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, यह हमें प्रेरणा देता है। भाषा में भी वो ताकत होती है जिस पीढ़ी से गुजरे, जिस इलाके से गुजरे, जिस हालात से गुजरे, वो अपने आप में समाहित करती है, वो अपने आप को पुरस्कृत करती रहती है, पुलकित करती रहती है। ये ताकत भाषा की होती है और इसलिए भाषा चैतन्य होती है। भुवनेश्वर स्टूडियो लाइव अर्गस न्यूज आपणंक पाखरे। आपण देखुछंती प्रश्नकाल, शांति भूषण का सहा।